हेलो गाइस, दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल मार्केट मूवर। देखिए, आज जिस स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा, वो स्टॉक काफ़ी ख़ास स्टॉक है, नाम काफ़ी फेमस है, बट बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस स्टॉक को लोग नहीं जानते हैं और ना इसमें पैसा लगाए होंगे। बहुत ही कम ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके तरफ से कमेंट आएगा कि जी हाँ, हमने इस स्टॉक पर पैसा लगाया। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, वर्चुअली नहीं, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है, पहली चीज़। दूसरी, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 से भी ज़्यादा हो और कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.48%। देखिए, स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इनके क्लाइंट क्या है, कौन है पता है? 49 ऐसी कंपनियाँ हैं जो, जी हाँ, 49 ऐसे क्लाइंट हैं इनके जो फॉर्चून 500 कंपनियां हैं। जी हाँ, फॉर्चून 500 कंपनी है। आईटी सेक्टर का बहुत ही दिग्गज प्लेयर है। स्टॉक का नाम आप देखिएगा और भाग जाइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए, मैं स्टॉक का नाम आपके पास रख रहा हूँ, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। जी हाँ, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। इस पर क्यों आएगी तेज़ी, क्यों आगे आने वाले टाइम में तेज़ रहेगा, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो पे इंक्लूड करूँगा। वीडियो के एंड तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी। सबसे पहली चीज़ कि एक्सटेंसिव रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब आप इसी पहले पॉइंट से क्लियर हो जाइए कि ये आने वाले टाइम में क्यों हीरो बन सकता। 59 ऐप, चाइनीज़ का 59 ऐप बंद हुआ। डेफिनेटली इनके यूज़र्स हैं और कहीं ना कहीं इनका नीड है, जिसके वजह से ये एप्लीकेशन बनाए गए थे। अभी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलपमेंट कौन करेगी, ये कंपनी करेगी, और इनका चलने लगेगा क्योंकि चाइना के सभी एप्लीकेशंस बंद है। जैसा कि जो जिसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे जो अनइंस्टॉल हो चुके हैं, आप जाके अगर प्ले स्टोर पे देखिएगा तो आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस करते हैं एंड आउटसोर्सिंग इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज टेस्टिंग डिजिटल सॉल्यूशंस, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का ग्लोबल आईटी सर्विसेज में बहुत बड़ा प्रेजेंस है। ये क्या है, ग्लोबली इसने क्या किया, इंक्लूडिंग 49 ऑफ द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस फ्रॉम द नॉर्थ अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप सोच के देखिए, इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन होता है, और आपको उसके रिजल्ट देखिएगा ना तो चौंक जाइएगा। इनकी रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ से आती है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब और भी देश के बहुत कोने कोने से। देखिए, कंपनी का सेल्स देखिए, 2017 से 2020 के बीच 3 सालों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ आपको किसी कंपनी पे नहीं देखने को मिलेगा। और अभी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात आई है, ये और भी ऊपर तक ले जाएगा इस स्टॉक को। 1700 करोड़ की सेल्स, फिर 1800, 2000, 2100, 2300, 2400 ज़्यादा ही है, 2485, 2500, 2800, 3000, 2900 लॉकडाउन में भी। सोच के देखिए, जून क्वार्टर का रिजल्ट है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो क्या शानदार प्रॉफिट का सीन है, 273 करोड़ की प्रॉफिट 417 करोड़ 427 करोड़ पे कन्वर्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। और अगर ईयर ऑन ईयर आप देखिएगा तो इनकी प्रॉफिट 400 करोड़ की होती थी साल पे साल, मतलब हर साल, वो लगभग 1500 करोड़ तक पहुंच गई है। 3x, 4x आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 4x, 400% इंक्रीमेंट। तो जिस स्टॉक का, जिस कंपनी का प्रॉफिट ही इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा, इनकी इनके शेयर्स क्यों नहीं बढ़ेंगे। अभी मात्र 4 साल हुई लिस्टिंग की, 2016 की ये कंपनी है लिस्टेड, याद रखिएगा। और 3 सालों से ये स्टॉक 47% का रिटर्न दे रहा, सोच के देखिए, 47% का रिटर्न ले रहा हर साल। तो क्या आने वाले टाइम में, ये आने वाले 10 से 15 सालों में, इन्फोसिस जब आया था, TCS जब आया था, तब कोई भी नहीं जानता था ये स्टॉक इतना मल्टीफोल्ड हो जाएगा, इतना बेहतरीन डिविडेंड देगा, इतने बार इनके बोनस इशू होंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, आज कितना भी एग्जांपल बन जाए कि इन्फोसिस, TCS ने करोड़ों को रिटर्न्स दे दिया, बट ऐसे ही कंपनी फिर से TCS, इन्फोसिस बन सकती है, ऐसा मेरा मानना, मैं गलत भी हो सकता हूँ।
आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे वीडियोस पे कहता हूँ किसी की बातें सुनकर स्टॉक मार्केट पे पैसा बिल्कुल नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा आप परेशान हो जाएंगे, माल को हमेशा लॉस पे काटेंगे, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब तक आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उस स्टॉक पर बढ़ेगी नहीं, तब तक आप उस स्टॉक पर प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगी, जब मेरे तरह से इस तरह से आप स्टडी कीजिएगा, आप सारी चीज़ें देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंट आएगा। इस चीज़ को हमेशा कान पे पूरी तरीके से फिट कर लीजिए, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसकी डिविडेंड भी बहुत बेहतरीन है, और साथ ही कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता बोनस इशू कर दे, स्प्लिट हो जाए। तो अभी स्टॉक कहाँ तक पहुँचा, 2470 पे है। इस स्टॉक पे मेरी ये पहली कवरेज है, आप याद रखिएगा, मैंने इससे पहले इस स्टॉक पे वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मेरी ये कवरेज याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ये आने वाले टाइम में आराम से ये स्टॉक ऊपर जाता दिखेगा। और मेरी गारंटी मानिए, आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से इस स्टॉक को रख दीजिए, उनके पास ये स्टॉक कटना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बिलीव लगता है। ये स्टॉक इतना डेफिनेट, इतना बेहतरीन स्टॉक है। साथ ही लार्सन एंड टुब्रो की सब्सिडियरी कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका एप्लीकेशन डेवलपमेंट, याद रखिएगा। इस स्टॉक को 2470 रुपये पर मैंने कवरेज दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले JM पफुलदर के नाम से एक स्टॉक की कवरेज की, 5000 के ऊपर चला गया, 5100 लगभग पे चल रहा है ट्रेड, मैंने 3200 पे उसे कवर किया था पिछले 3 महीना लॉकडाउन के टाइम में। इस स्टॉक को मैंने आपके पास प्रेजेंट किया था क्योंकि इनकी सेल्स इतनी बड़ी, फार्मास्यूटिकल कंपनी का टेस्टिंग लेबोरेटरीज था, और कहीं ना कहीं कोरोना के इस केस पे मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो चली, इसीलिए मैंने उस स्टॉक को प्रेजेंट किया और वो दिग्गज स्टॉक था, बट आपने पोजीशन नहीं बनाया। याद रखिएगा स्टॉक को लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड को 2470 पे मेरी कवरेज है, डेट लिख के रखिएगा डायरी पे। मैं आऊँगा इस स्टॉक पे फिर से वीडियो बनाने के लिए अगले 3 महीने के बाद में, और बीच में कोई अपडेट आई तो ज़रूर आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और टाइम दीजिएगा इस चैनल को। आपको आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ऐसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिस पर आपको मज़ा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट करके। मैं फिर से कहता हूँ किसी की बात सुन के, यूट्यूब में 365 चैनल, उससे भी ज़्यादा होगा जो डेली के वीडियोज़ बनाते हैं, स्टॉक को आपके पास प्रेजेंट करते हैं। वी आर द सेम कम्युनिटी, इसीलिए मैं किसी को कोई भी बुरा नहीं कहूँगा, किसी को भला नहीं कहूँगा। जिसकी बातें आपको अच्छी लगी उसको मान के भी आप काम नहीं कीजिए, अपनी खुद की स्टडी कीजिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मैं ये चीज़ कहूँगा ज़रूर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल विजिट करने के लिए। थैंक यू।